नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात करेंगे आज चावल की, जहां पर बासमती की एमईपी यानी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस घटने की बात की जा रही है। क्या कुछ यहां पर तर्क हैं, कितना हो सकता है और इंडस्ट्री से कैसे देखती है, इस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहाँ पर अब कुछ खरीदारी लौटने की उम्मीद है, क्योंकि इस क्वार्टर में शादियाँ और फेस्टिवल दोनों ही लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की जहाँ तक बात है, हमने ETF बाइंग भी यहाँ पर आते हुए देखी है, क्या इम्पैक्ट रह सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर लगातार तेजी बनी हुई है, 9 हफ्ते के हाईस पर कारोबार है कच्चे तेल में। यहां पर ऑलमोस्ट 87 के आसपास अब ब्रेंट के प्राइसेस हैं, काफी सारे सपोर्टिव फैक्टर्स हैं, यहां पर आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोहिनूर फूड्स के ज्वाइंट एमडी गुरनाम अरोरा, HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता एंड गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले यहां पर राइस से करेंगे, जहां पर बासमती को लेकर अब कॉन्वर्सेशन फिर से बनती हुई नजर आई है। मिस्टर अरोरा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ये अफकोर्स सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार आगे जाकर बासमती की एमईपी घटा सकती है। हमने अच्छा खासा यहाँ पर नंबर्स आते हुए देखे हैं बुआई के लिहाज से, अफकोर्स स्टिल अर्ली डेज, लेकिन जिस तरह की इन्फॉर्मेशन है बाजार में, आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं और आपके थ्रू यहाँ पर किस तरह की रिप्रेजेंटेशन है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हम लोगों ने गवर्नमेंट से मीटिंग्स ली थी जी अपीडा के थ्रू, और हमने उनको बताया कि मार्केट जो है वो $250 से $300 डाउन है इंटरनेशनल मार्केट, तो अगर यही एमईपी रहेगा तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे जितनी एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है। तो उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया और मेरे को लगता है कि एमईपी या तो कम हो जाएगी या इसको खत्म कर देंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग। ऑलराइट, आपको क्या लगता है मिस्टर अरोड़ा, खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन जिस तरह की बातचीत आपकी हुई है? ये तो गवर्नमेंट के मूड के ऊपर है, जब तक हो नहीं जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत जरूरी है, बिकॉज जो सोइंग सीजन है वो अगर हमारी बासमती के प्राइसेस एक्सपोर्ट नहीं होगी तो किसान जो है वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी क्रॉप्स में, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये टाइम से इमीडिएटली खत्म हो जाए, बिकॉज इस समय जो एक क्रॉप इन बिटवीन क्रॉप होती जिसको हम साठी बोलते हैं, वो भी पूरे जोर से मार्केट में आ रही है, तो उससे भी जो प्राइस है ना उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो इस समय बहुत जरूरी है कि एमईपी जो है या तो $800 के आसपास हो जाए या इसको खत्म कर दिया जाए, बिकॉज ट्रेड जो है वो मैच्योर्ड है, रिस्पॉन्सिबल है। एमईपी जो है वो कोई ये नहीं है कि अगर एमईपी कम है तो हम माल बाजार में फेंक देते हैं, फ्री बेच देते हैं, वो तो इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड करता है, तो वो तो चलता रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक चीज बाजार में सस्ती होगी हम सस्ती बेचेंगे, लेकिन जो बीच में ये एमईपी आ जाती है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम उसको किस तरीके से सेटिस्फाई करें कस्टमर को, क्योंकि तो मार्केट का प्राइस तो चलेगा, जब $800 होता है 800 होता है, जब अपन $2000 होता है $2000 में बेचते हैं, तो ये तो मार्केट की प्राइस जी। मिस्टर अरोड़ा, एक ऑफकोर्स एक्सपोर्ट मार्केट है यहाँ पर, जहाँ तक भारतीय बासमती की डिमांड है, जो पेनिट्रेशन है, आप क्या उसमें भी इजाफा होता हुआ देख रहे हैं? मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा कोई इजाफा हुआ है, हम लोग वही 4.5 मिलियन टन के आसपास ही घूम रहे हैं, अभी धीरे धीरे मार्केटें बढ़ रही हैं, बट इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही, बिकॉज जो मेन कन्वेंशनल मार्केट्स हैं वो तो ये ईरान, इराक और ये सऊदी ही रहेगी, बाकी मार्केटें धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं, जैसे साउथ अमेरिका भी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया, अमेरिका कनाडा ग्रो हो रहा है, इस तरह चल रहे हैं, बट उससे वॉल्यूम जो है वो यही 1 लाख टन 2 लाख टन बढ़ गया, 3 लाख टन, बहुत ज्यादा अगर हम सोचेंगे 4 मिलियन टन से हम 7-8 मिलियन टन तक पहुंच जाएंगे वो मुश्किल लगता। ओके, बहुत टाइम लगता। ऑलराइट, एक और चीज़, और क्योंकि बजट राउंड द कॉर्नर है और काफ़ी सारे सेक्टर्स को लगता है कि अब यहाँ पर, क्योंकि एग्रीकल्चर पर एक थ्रस्ट रहेगा, 2-3 स्टेट्स में अभी भी यहाँ पर इलेक्शंस बाकी हैं, साथ ही साथ एक जो रूरल इंडिया है वहाँ पर एक अनरेस्ट हमने बनता हुआ देखा है, आपको लगता है राइस एज अ सेक्टर की तरफ से अगर आप कुछ कहना चाहें कि बजट में इस सेक्टर को कुछ मिलना चाहिए तो वो क्या होगा? देखिए, हम तो गवर्नमेंट से, देखिए मैं बिल्कुल इस बात के हक में नहीं हूँ कि गवर्नमेंट
से हमको हर समय कोई चीज मांगनी पड़े। लेकिन ये जो टैक्सेशन आ जाता है, अब देखिए इन्होंने $250 का टैक्स लगा दिया है उसके ऊपर, लॉन्ग ग्रेन के ऊपर, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। ये गवर्नमेंट को हो सकता है कुछ मिलियन डॉलर मिल गए उसका, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हमारी साख जो है वो एक डिपेंडेबल सप्लायर की तरफ से बंद हो जाती है। वो कह रहे हैं आपकी कंट्री में रोज कोई ना कोई नया लॉ आ जाता है, तो हमारे को कुछ नहीं चाहिए। एक गवर्नमेंट हमारे को जो चाहिए, बैंक हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे को सस्ते रेट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे मिल रहे हैं, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन ये जो टैक्स बीच में आ जाता है ना, $250 का टैक्स लगा दिया, इससे हमारी सारी मार्केट डिस्टर्ब हो जाती है। वो कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम लोग एक बड़ी मुश्किल से एक मार्केट को बनाते हैं। थाईलैंड से, पाकिस्तान से खींच के लाते हैं, वियतनाम से कस्टमर को अपनी तरफ बनाते हैं कि हम आपसे, वी आर ए बेटर सप्लायर, वी हैव बेटर ग्रेन। इसको 8-10 साल लगते हैं जाके, तो तब जाके क्रेडिबिलिटी बनती है। उसको हम वन फाइन मॉर्निंग गवर्नमेंट का नोटिस आता है जी कि $250 लगा दो जी, जिसका कोई रीजन नहीं होता, कोई मीनिंग हमको समझ नहीं आता कि क्यों लगा दिया गया। जो चीज स्मूथ चल रही है उसको चलने देना चाहिए। तो मैं इसी बात के हक में, हमको गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, भैया यही चाहिए कि टैक्स मत लगाए और ये जो ट्रेड साफ सुथरा चल रहा है उसको चलने दे। हमारे पास कोई शॉर्टेज थोड़ा है। आज अगर आप देखेंगे तो हमारा जो स्टॉक है ओवरफ्लो हो रहे हैं, हमारे पास चावल संभालने को नहीं है और हम लोग टैक्स लगा रहे हैं। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो इसको हटाना चाहिए और नॉर्मल बिजनेस जैसे चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। मिस्टर अरोड़ा, काफ़ी सारे एरियाज में हमने देखा है वो इम्प्रॉम्प्टू नीजर्क रिएक्शन से हमने ड्यूटीज़ यहाँ पर बढ़ते घटते हुए देखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे ऑफ कोर्स स्टॉक लिमिट्स भी हैं, मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स भी हैं। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप्स को, इवन जब हम चावल की भी यहाँ पर बात करते हैं? बासमती में ऑफकोर्स इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो बाकी राइस वेराइटीज़ हैं आपको लगता है वहाँ पर कुछ फेरबदल आता हुआ नज़र आएगा? मैंने वही कहा कि ये सारा फेर बदल तभी होता है जब हम लोग टैक्स लगा देते हैं जी। नहीं तो हर आदमी ने अपनी मार्केट बना रखी है, हम धीरे 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 हर मार्केट में जाते हैं, वहां जाके अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो ये एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें हमेशा हम चलते रहते हैं। लेकिन जब ये गवर्नमेंट इसमें चेंजेस कर देती है, ये आप पार बॉल्ड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वाइट पे टैक्स लगेगा, इन सारी चीजों से हमारी जो एक इंडस्ट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है जी। सरप्लस राइस की बात भी की जा रही है कि 18 मिलियन टन शायद इस साल सरप्लस चावल है इस बार, ऑफ कोर्स नॉन बासमती। कैसे देखते हैं आप उसका डिस्पोज ऑफ होता हुआ? नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ डोमेस्टिक में भी देना शुरू किया है जी, और गवर्नमेंट अलाउ कर दे एक्सपोर्ट उसकी, तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ गोदामों में चावल को सड़ाने से अच्छा है कि उसमें हम फॉरेन एक्सचेंज अपना लेके आए घर, ये तो गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए और देना चाहिए व्यापारियों को, वो एक्सपोर्ट करें। Absolutely. हम तो चाहते हैं फ्री ट्रेड होना चाहिए जी, ताकि प्लेइंग लेवल फील्ड होना चाहिए सबको, ताकि कोई मेहनत कर रहा है तो वो मार्केट को अच्छा बनाए और करे। फेयर पॉइंट। मिस्टर अरोड़ा, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम चीज़ों पर बात भी करने के लिए। तो ऑफकोर्स गुनाम अरोड़ा जी कहते हुए कि $800 पर टन पक यहाँ पर MEP लेके आना चाहिए, और अगर वेव ऑफ कर दिया जाए तो ऑफकोर्स उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्लियरली जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, टैक्सेज हैं, उससे ट्रेड को यहाँ पर इम्पैक्ट तो पड़ा ही है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ और वो ये कि जहाँ तक हमने यहाँ पर नंबर्स बनते हुए देखे हैं इंडियन डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से, बासमती अभी भी बहुत ज़्यादा नीडल वहाँ पर हिलाता हुआ नज़र नहीं आया है। यूँ तो ऑफकोर्स चावल पर एक बड़ी खबर, जहां पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो कि इंडस्ट्री को काफी परेशान करता रहा है उसको हटाने की चेष्टा यहां पर, और एक रिप्रेजेंटेशन भी यहां पर सेक्टर की तरफ से सरकार को गया है, तो शायद हम वहां पर कुछ चेंजेस आता हुआ भी देखें। अमित, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्री एज ए स्पेस को, और आपको क्या लगता है कहां पर कारोबार किया जा सकता है? क्योंकि अगर हम मसालों की बात करें तो काफी सारे रेगुलेटरी और क्वालिटी को लेकर चिंताएं यहां पर बनती हुई नजर आई हैं। मानसून अब बेटर है, उसका दबाव हमने ग्वार पर फिर से आता हुआ देखा है, तो क्लियरली इंडिविजुअल फंडामेंटल्स के लिहाज से काम करती हुई कमोडिटीज में बेसिकली अलग अलग व्यूज रहेंगे अभी थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। स्पेशली अगर देखा जाए तो TMC अभी वापस फिर से प्रेशर में आती हुई दिखाई दे रही है, 20,000 के आसपास का इसका हाई था, अभी प्राइजेस लगभग 16,300 के आसपास है। प्राइजेस जब तक अगस्त वायदे की मैं बात करूँ जब तक 17,000 के नीचे है तब तक इसमें कंटिन्यू प्रेशर देखने को मिलेगा। प्राइस अगर 17,000 के ऊपर निकलते हैं तो ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा, तब तक
इसमें सेल ऑन राइस के सेट भी अपना है, नीचे में लगता है एक बार 15,500 से लेकर 15,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। वहीं पर जीरे की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा इसमें जरूर शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है, तो इसमें एक खरीदारी का ट्रेंड ट्रेडर्स को लेना चाहिए। 28,500 के आसपास जुलाई वाला जीरे में खरीदारी करें अभी 2 से 3 दिनों के लिए, ऊपर में 30,500 तक के टारगेट रहेंगे, नीचे में 27,700 का एसएल है। वहीं पे धनिया की अगर मैं बात करूँ तो कंटिन्यू प्रेशर इसमें अभी शॉर्ट टर्म से बना हुआ है, प्राइसेस में एक बिकवाली का ट्रेड ये ट्रेडर्स को अपनाना चाहिए, 7,250 पे बेचे, 7,400 का एसएल लगाकर 7,000 तक के टारगेट रहेंगे। ग्वार सीड ग्वारगम की बात करूँ तो ट्रेंड इसका भी निगेटिव है कंटिन्यूस, रेंज इसकी अगर मैं बात करूँ तो करेंट वायदे की 5,100 से लेकर 5,400 के आसपास रहेगी, तो अभी 5,300 का भाव है, 5,340-50 के आसपास बिकवाली करें, 5,400 का एसएल लगाकर 5,100 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी के मौके हैं, बाकी सभी जगह मुनाफा वसूली की तरफ देखना चाहिए। मंजल जी गुड मॉर्निंग, देखिए जिस तरीके से मॉनसून पूरे ही भारत में आता हुआ दिख रहा है तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी एग्रीकल्चर में कुछ ज्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है और जैसे सोइंग एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि फिलहाल अभी कुछ टाइम लगेगा प्राइसेस को बढ़त होने में, क्योंकि इस बार अगर आप मसालों की क्रॉप के बारे में देखेंगे तो सभी क्रॉप में अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जितने भी मसाले हैं चाहे टर्मरिक हो, जीरा हो या कोरिएंडर हो, सभी में मुझे लगता है कि ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल अभी मॉनसून का इम्पैक्ट है और सभी के अंदर मुझे लगता है कि एक स्टेबिलिटी प्राइसेस में आती हुई दिखाई देगी। ऑलराइट, तो कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है, बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है और मॉनसून एक यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर उभरता हुआ नजर आया है। हमारे साथ अब स्काईमेट के मिस्टर जीपी शर्मा है। मिस्टर शर्मा नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और मैं एक्चुअली आपका रिज्यूमे कहीं पे पढ़ रही थी मिस्टर शर्मा, मुझे नहीं मालूम था आप आर्मी में थे पहले। All right. That बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आपसे अब मौसम के बारे में जानना चाहेंगे। क्लियरली जून के महीने में जिस तरह की हमने 11% बिलो नॉर्मल मानसून आते हुए देखी है, जुलाई में जिस तरह से वो रिकवर होती हुई नजर आई है, अब जुलाई को लेकर किस तरह की एवरेज परसेंटेज रेनफॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जुलाई सबसे रेनियस मंथ है, 285 मिलीमीटर रेनफॉल बहुत ज्यादा है। दिन की एवरेज जो कि हम जून में शुरुआती दिनों में 4-5 मिलीमीटर देखते हैं, एंड में 7 मिलीमीटर, जुलाई के पूरे महीने में 8-9-10 मिलीमीटर रोज की बारिश होनी चाहिए, तो 285 का आंकड़ा पकड़ सकते हैं। हालांकि शुरुआत अच्छी हुई है, पहले दो दिन तो बहुत अच्छी बरसात हुई है, काफी क्षेत्रों में हुई है, लेकिन ऐसा ही टेम्पो जो है मुझे लगता नहीं है जारी रहेगा। हालांकि उत्तर भारत में मैं अच्छी वर्षा की उम्मीद कर रहा हूं अगले एक सप्ताह तक, और वैसे कहें तो बारिश ही उत्तर भारत में होगी, दक्षिण भारत में बारिश नहीं होगी, बहुत कम होगी। मैं तो कह रहा हूं गुजरात समेत पश्चिमी तट, इवन मुंबई में भी, मुंबई में कहां वर्षा, एक दिन परसों के दिन कुछ शावर हुए थे, उसके बाद से मुंबई में वर्षा नहीं है, पश्चिमी तट में भी ऐसे ही थोड़ा सा लीन सा समय रहेगा मानसून का पूरे सप्ताह भर। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, और आप और आगे चले जाएंगे तो बिहार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उत्तर पूर्व भारत में थोड़ी अच्छी वर्षा, भारी वर्षा होगी, लेकिन रिलेटिवली जो मध्यवर्ती भाग होंगे, मैं तो कहूँगा इवन महाराष्ट्र के भी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पूरा दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल समेत और पश्चिमी तट, इसमें थोड़ी वर्षा में कमी रहेगी, सामान्य वर्षा से काफी कम रहेगी इन क्षेत्रों में अगले 10 दिन की बात करें तो। ओके, आपने क्योंकि मुंबई का जिक्र किया मिस्टर शर्मा, और मुंबई में 35% डेफिशिएंसी थी जून के महीने में, क्या ये रिकवर होगा जुलाई में, या आपको लगता है उसके चांसेस कम ही हैं? अगले 10 दिन अभी कोई ऐसा चांस नहीं है, केवल शायद अगले सप्ताह 1-2 दिन, जो लगभग 9-10 तारीख के आसपास, 8-9-10 के आसपास थोड़े से सिचुएशन बन रही है जिसमें कि अच्छी वर्षा होने की उम्मीद है, लेकिन इस सप्ताह में केवल लाइट और कुछ मॉडरेट स्पेल जरूर हो सकते हैं। और जुलाई का महीना मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रेनियस होता है, जून के महीने में तो 500 मिलीमीटर बारिश होती है नॉर्मल, 493 मिलीमीटर, जुलाई की बात करें तो करीब करीब 700 से पार, 700-800 के बीच इसके बराबर आंकड़ा होगा, जो कि मैं बहुत बारिश चाहिए मुंबई में भी सामान्य। और 35% अगर आप डेफिशिएंसी कहें तो कहने का मतलब है हमको 150-200 मिलीमीटर
150 मिलीमीटर जून का डेफिसिट भी कवर करें तो वो अभी तो संभव नहीं लग रहा, अनलेस कि कोई परिस्थितियां ऐसी बने। पर मैं तो कह रहा हूँ जुलाई अपने आप में ही अपना आंकड़ा पूरा कर ले तो वो काफी रहेगा, क्योंकि जो परिस्थितियां देख रहा हूँ कुछ चीजें जो ओशनिक पैरामीटर्स हम जिनकी बात करते रहते हैं, एल नीनो, ला नीना, आयोडी, वो कुछ बहुत अच्छे तो नहीं लग रहे। हाँ, देखिए जुलाई में हमने जून में सबसे कम रेनफॉल दिया था और फोकस में हमने लिखा था कि स्टार्ट विल नॉट बी गुड, इट्स गोइंग टू बी एवरेज, तो जून का महीना अच्छा नहीं रहेगा। हमने सबसे कम दी थी जून के महीने में, सबसे ज्यादा हमने दी हुई है जुलाई के महीने में, और अच्छा रहना चाहिए जुलाई का। जैसे मैं आंकड़ा कह रहा हूँ 285 मिलीमीटर है, हमने सामान्य से 3% ज्यादा ही बारिश दी हुई है जुलाई के महीने में। अगस्त में एक बार फिर से थोड़ी कम बारिश होगी, वो शायद ब्रेक मानसून कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, बट जुलाई के महीने में बहुत डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हो सकता है उतनी अच्छी ना हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जितना हम चाहें, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में पैरिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। नॉर्थ में बारिश अच्छी रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए। पूरे जो उत्तर भारत के जो एग्री बाउल जो क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा समेत, मैं तो कह रहा हूँ इवन राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों में भी अच्छी वर्षा होने की उम्मीद रहेगी। दक्षिण भारत का मुझे थोड़ा तो एटलीस्ट जो ग्रोइंग एरियाज हैं सेंट्रल इंडिया, वहाँ पे आपको लगता है बारिश ठीक ठाक हो जाएगी, तो एग्रीकल्चर के लिहाज से पर है आप वो यहाँ पर सपोर्टिव रहेगा। पर मिस्टर शर्मा बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, एज ऑलवेज एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, उनसे लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ऑलराइट, बाजार यहाँ पर कल पॉवेल की टेस्टिमनी तो सुन ही चुका है, लेकिन आज यूएस फेड मीटिंग मिनट्स हैं, फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल डेटा है, अहेड ऑफ दैट अनुज आपकी टॉप पिक्स क्या हैं? मनीषा जी, मुझे लगता है कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी आ सकती है, गोल्ड में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड रहेगा, करीबन 71,550 के आसपास खरीदारी करें, 71,380 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगेन 72,050 तक देखने को मिल सकता है, तो गोल्ड मुझे लगता है कि एक टॉपिक के तौर पे देखा जा सकता है। दूसरा, हमने बेस मेटल में अच्छी खासी रिकवरी अगेन आते हुए देखी है, कॉपर लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, तो कॉपर के अंदर करीबन 845 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, स्टॉप लॉस करीबन 839 पे लगा है, टारगेट 856 तक देखने को मिल सकता है, तो बेस मेटल में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, और मार्केट टोटली डेटा पे डिपेंड है, और जिस तरीके से डेटा आ रहे हैं मुझे लगता है कि मेटल्स में एक अच्छी रिकवरी आ सकती है, डॉलर इंडेक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो कमोडिटी में मुझे लगता है कि गोल्ड एंड कॉपर में एज अ टॉपिक खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, नोटेड। अमित, आपके टॉप ट्रेड्स क्या हैं? सिल्वर का ट्रेड रहेगा, खरीदारी ही चांस रहेंगे, 90,100 सेप्टेम्बर सिल्वर का बाय का रेट है, 91,500 तक के टारगेट है, 89,400 का एसएल लगाए, एनर्जी में देखा जाए तो क्रूड ऑयल 6,900 के आसपास एक प्राइस बाय का ट्रेडर्स को करना चाहिए, 7,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, 6,850 का इसका स्टॉप लॉस है, वहीं पर बेस मेटल में कॉपर काफी अच्छी पिक रहेगी, ओवरऑल इसका वापस फिर से अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, 847 जुलाई बाय द कॉपर का बाय का ट्रेड है, 856 रुपए के टारगेट रहेंगे, 842 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर नॉन एग्रो सेक्टर में आती हुई, जहाँ एग्रो में कुछ दबाव है मॉनसून को लेके, लेकिन नॉन एग्री एब्सोल्युटली ऑन फायर। बहुत शुक्रिया अनुज, अमित, आप दोनों का ही साथ बनने के लिए और सारी स्ट्रेटजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो फोकस करेंगे इक्विटीज पर।